ऐसा सीधा रखना चाहिए। सीम के आप बीच में भी कुछ इस तरीके से, जो सीम के बीच का ये होता है इसमें आप इसको रख सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तेज बॉलिंग के लिए आपका ग्रिप कैसा होना चाहिए। आप जानते ही है कि बॉलिंग में ग्रिप कितना अहम रोल अदा करता है, फिर से वो स्पिन बॉलिंग हो या पेस बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग के कंपैरिजन में पेस बॉलिंग का जो ग्रिप होता है वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन लोग इसमें भी गलती कर जाते हैं जिसके कारण उनका पेस इंक्रीज नहीं हो पाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मैं भी बॉलिंग के जो ग्रिप होता है इसमें गलती कर चुका हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, आपको ग्रिप के बारे में सारी बातें समझ आ जाएगी। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बन सकते। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ले, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। आने वाला वीडियो बहुत अच्छे होने वाला है क्योंकि हम एक पिच बना रहे हैं और वहां पर से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाएंगे। तो दोस्तों पेस बॉलिंग का जो ग्रिप है ये देखने में भले ही आपको सिंपल लगे, लेकिन ये उतना सिंपल भी नहीं है, इसको इतना सिंपली भी नहीं मत लेना। पेस बॉलिंग का जो ग्रिप है इसमें आपका हाथों का जो पासो फिंगर है, इस पासो फिंगर का यूज करना पड़ता है। बहुत से लोग समझते हैं कि बॉलिंग के दौरान सिर्फ ये तीन उंगली का यूज होता है, ये थंब और ये पहले दोनों उंगली का, ये बिल्कुल गलत है। आपका पासो फिंगर का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तभी आपकी बॉलिंग अच्छी होगी, मतलब आपको पासो फिंगर का यूज करना पड़ता है जब आप ग्रिप करते हो। तो चलिए आपको बॉल के साथ समझाता हूँ। बॉल थोड़ा पुराना है इसके लिए माफ करना। तो आप जैसा कि यहाँ पर ये बॉल देख रहे हैं इसकी ये बीसो बीस सीम है। तो सबसे पहले आपका हाथ है ये हाथ, ये जो आपके दोनों उंगली है आखिर के ये दोनों उंगली, इसको बिल्कुल आपको सीधा करना है इस तरह से, कुछ इस जॉइंट के साथ आपको इसको मोड़ लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से कुछ सीधा करना है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि इनको मतलब इस दोनों को भी ऐसे इस जॉइंट से भी इसको मोड़ लेते हैं, ये गलती मत करना, इससे बॉलिंग के दौरान आपको कंट्रोल नहीं मिलेगी। मैं भी पहले ये गलती करता था और बॉल ऐसे ही सूझ जाता था जिसके कारण बॉल को बैकस्पिन नहीं करा पाते हैं वहाँ। तो ये तो हो गई, ये दोनों उंगली को आपको बिल्कुल ऐसा सीधा इससे मोड़ना है, इसके साथ आपको नहीं मोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये दोनों उंगली के बारे में तो पता चल गया होगा कि आपको ये दोनों उंगली इस जॉइंट के साथ आपको सीधा मोड़ना है। उसके बाद आता है ये दोनों फिंगर का कैसे यूज करना पड़ता है, मतलब आपको ये दोनों उंगली को बोल के बिल्कुल सीम के दोनों ओर रखना है, कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल इस तरीके से आपने रखा और ये जो सीम देख रहे हैं आप यहाँ पर इसके दोनों ओर ऐसे रखा तो ये बन गया आपकी ग्रिप। बहुत से लोग यहाँ पर भी रखते हैं, मतलब सीम दोनों सीम जो होते हैं ये सिलाई के अंदर रखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप रखना बनता है, नहीं तो आपको कंट्रोल नहीं मिलेगी जब आप बॉल को फेंकोगे तब। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखें, हो सके तो आप बिल्कुल इसके साइड में पकड़े कुछ इस तरीके से, और उसके बाद ये दोनों उंगली को सीधा रखें। और उसके बाद आता है थंब, मतलब आपकी जो ये पहली उंगली है इसको बिल्कुल ऐसा सीधा रखना चाहिए। सीम के आप बीच में भी कुछ इस तरीके से, जो सीम के बीच का ये होता है इसमें आप इसको रख सकते हैं, ऐसे फंसा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप फंसा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आपका थंब और इसके बीच मतलब एक उंगली का गैप रखें, यहाँ पर बॉल को बिल्कुल आप ऐसे मत पकड़े और ज़्यादा गैप भी ना रखें। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एक उंगली का गैप रखें, तो एक उंगली का गैप रखने से आपको बिल्कुल एक कंट्रोल मिलता है जब आप बॉल को ऐसे पकड़ते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको थंब को बिल्कुल आपको सीधा रखना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दोनों उंगली बिल्कुल सीधा रखना है, ये साइड से आपको सपोर्ट देता है, ठीक उसी तरह आपको थंब को भी बिल्कुल इस तरह से सीधा रखना है। बहुत सारे लोग गलती करता है, ये थंब को बिल्कुल इस तरह से पकड़ता है, इसके कारण उनको बैकस्पिन करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। ये गलती मैं भी पहले कर चुका हूँ, इसके कारण आपको पेस भी नहीं मिलता बॉल जब आप बॉल फेंकते हो, और इसको बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। इसके अगर आप इसको सीधा रखते हो तब आप बॉल को ठीक से बैकस्पिन करा पाते हो, जब फेंकते हो आपको बहुत अच्छी स्विंग भी मिलेगी अगर आपकी ग्रिप अच्छी रही तो। ये दोनों उंगली को सीधा रख के इसको थंब को भी आप सीधा रखें, हो सके तो आप इसको बीच में फंसाए, नहीं हो सके तो आप इसको साइड में भी रख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से कुछ, इस दोनों दोनों उंगली के बीच थोड़ा सा गैप, यहाँ पर एक उंगली का गैप रखें, हो सके तो मतलब थोड़ा आप ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन एक उंगली से कम बिल्कुल नहीं, और इस दोनों उंगली को सीधा कुछ इसी तरह आपका बेसिक जो पेस बॉलिंग का ग्रिप है वो है। अब बात आती है बॉल को कितना जोर से पकड़ना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से। बॉल को इतना जोर से भी मत पकड़िए कि बॉल आप उसके हाथ से जब फेंकते हो वो सूटे ही नहीं, और इतना लूज भी नहीं पकड़ना चाहिए कि आपका बॉल ऐसे ही सूझ जाए। मीडियम फोर्स के साथ बॉल को पकड़ना है ताकि आप अच्छी तरह से आपको मतलब हाथों में कंट्रोल रहे,
बॉल को आप इसके लिए आप बॉल आप कितने जोर से पकड़ते हो ये चेक करने के लिए आप किसी फ्रेंड का मदद ले सकते हैं। मतलब उसको आप बोल छीनने को बोल सकते हैं कि अगर वो आपका जो बॉल है अपने आपके इस ग्रिप के हाथ से बिना कोई एफर्ट लगे ही मतलब आपसे छीन सकता है तो आपका ग्रिप काफ़ी लूज है। अगर अगर आपको मतलब काफ़ी जोर लगा कर भी आपके इस हाथ से वो बॉल छीन नहीं पा रहा है तो आपके ग्रिप काफ़ी मतलब आप बहुत जोर से पकड़ रहे हैं तो आपको एक मीडियम फोर्स के साथ बॉल को पकड़ना है और आप जब भी बॉल फेंकते हो तो आपका रिच बिल्कुल इस तरीके से कुछ सीधा रहना चाहिए। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से ताकि जब बॉल फेंके आप कुछ ऐसे आप फेंक पाए और आपको बॉल को बैकस्पिन करने में भी मदद मिलेगी जिसके कारण आपको स्विंग मिलेगी। और बहुत सारे लोग गलती कर जाता है जब बॉल फेंकता है तो ये दोनों उंगली को छोड़ देते हैं सिर्फ इससे बॉल को फेंक लेते हैं। ऐसा गलती मत करना, इस दोनों उंगली को बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही बॉल को फेंकना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको पेस बॉलिंग का जो ग्रिप है वो बिल्कुल आपको सिंपल में बिल्कुल आपको सटीक ग्रिप समझा दिया है। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम।